हेलो फ्रेंड्स, मैं गगनदीप, आपका गाने दोस्त। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ओवरव्यू पर है कि गार्डन ओवरव्यू पर जो वीडियो है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ मेरे गार्डन में जो जो प्लांट्स लगे हुए हैं। तो देखिए, ये ऑक्सिकम के जो फ्लावर्स हैं ये आने शुरू हो गए हैं। देख सकते कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और इनके पत्ते भी काफी खूबसूरत होते हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये रेड कलर के पत्ते हैं और इनमें ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है, तो ये काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। ये देखिए, थोड़ा सा अलग सा लग रहा है आपको, और ये थोड़ा सा और अलग है कि दोनों में डिफरेंसेस हैं, देख सकते हैं ना। देखिए तो आपको कैमरा में ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा होगा हमको, कि ज्यादा ये कॉम्बिनेशन का पता नहीं चल रहा होगा, पर रियल में तो काफी पता चल रहा है इनका। और तो मैं आपको शुरू करवाता हूँ, और ये हिबिस्कस का प्लांट है, काफी बड़ा हो चुका है, आप देख ही सकते हो हिबिस्कस के प्लांट को कितना बड़ा हो गया ना, और इस पर फूल भर भर कर आते हैं। और एक मैंने जो ग्राफ्टिंग की थी वो भी दिखाता हूँ आपको, ये हिबिस्कस पर की थी। ये देखिए, ये चल गई है। अब मैं इसकी ग्राफ्टिंग टेप को हटा दूंगा तो ये बहुत अच्छे से बड़ी हो जाएगी। तो और मैंने ये देखिए, और फिर आ जाते हैं हम इस मनी प्लांट पर। तो ये देख सकते हो आप मनी प्लांट, ये मोसस स्टिक है, इस पर चढ़ा रहा हूँ मैं अभी मोसस स्टिक पर। तो इस मनी प्लांट को तो मैंने इसके साथ ही पर्पल हार्ट का प्लांटर रखा हुआ है, देख सकते हैं ना। ग्रीन और जो पर्पल का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो काफी ब्यूटीफुल लगता है, इसलिए मैंने दोनों को मिलाकर रखा हुआ है। और ये गम पॉट पर मैंने यहाँ पे कलर किया था, अभी पूरे पे करूँगा, अब मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैंने यहीं यहीं पे कर दिया था। तो ये रोज का प्लांट इसमें लगा हुआ है, देख सकते हो। और एक ये फूल खिला हुआ है, ये खिल के मतलब ये बंद हो गया, अब खराब हो गया, अब खिल के। तो इसमें मैंने DIY अपनी चिड़िया टांगी हुई है, देख सकते हो ना आप। ये देखिए, ये चिड़िया टांगी हुई है मैंने DIY बनाकर, खुद से बनाई थी ये चिड़िया मैंने, देख सकते हो। तो मैंने ये पॉट डेकोरेट के लिए बनाया था, इसमें कुछ सीडलिंग भी की हुई है मैंने, आप देख सकते हो। और ये अपराजिता देख सकते हो आप, कितना अच्छा खूबसूरत फूल है इसका, काफी सुंदर है ना। और इसके ये देखिए कितने खिलेंगे, और ये देखिए साइड से भी कितने और खिलेंगे, काफी खिलेंगे। तो ये प्लांट भी काफी सुंदर है। और ये टैलिका है, टैलिका प्लांट काफी हद तक ये खूबसूरत बन जाता है, गोभी जैसा लगता है एकदम। और ये मैंने DIY पॉट बनाया घर से, खुद से, देख सकते हो ना, ये ऐसा कुछ दिखाई देता है। इस पे मैं कलर करूंगा तो ये काफी हद तक सुंदर बन जाएगा। तो इसमें मैंने कनेर की कटिंग लगाई हुई है, ये देखिए ये कनेर की कटिंग है जो चल गई है, देख सकते हैं ना, बीच में पत्तियां निकलने लग गई हैं इस कलम में से। और ये दो गुलदाउदी की कटिंग्स हैं, कलम्स हैं, ये भी मतलब कि चल पड़ी हैं। तो इस साइड आते हैं तो हमारा रोज प्लांट देखिए, इस पे भी कलियां आ चुकी हैं। तो आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो ये मेरी चांदनी का प्लांट है, मिनी चांदनी जो होती है उसका प्लांट है, और मैंने इसके पॉट पर ये डॉट बनाए हुए हैं। और इससे आगे ये एरो हेड का प्लांट है, ये देखिए, ये प्लांटर भी मैंने खुद से बनाया था। और ये जो मेरे पास एक पाइप पड़ी थी उस पर ये छतरी सी टांग दी ताकि कुछ अच्छी लगे। और इसके अंदर ये दो स्टोन्स रखे हुए मैंने, और ये देखिए कितना अच्छा प्लांट है ना। और फिर आगे चलते हैं तो ये भी एक मैंने प्लांटर बनाया हुआ है DIY, ये देखिए कुछ ऐसा दिखाई देता है। और एक ये मेरे गुलदाउदी के प्लांटर्स हैं, और ये मेरी चिड़िया, और
और आगे आते हैं, यहाँ पे भी मैंने एरोहेड सिंगोनिया के प्लांट्स लगाए हुए हैं। और ये जो है ये विंका का प्लांट है, वहाँ पे पर्पल हार्ट्स हैं। और ये मैंने मॉस रोज की कटिंग्स लगाई हुई हैं। और यहाँ पर मैंने ये मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट लगाया हुआ है, और इसमें ये सीडलिंग की थी तो वो पौधे यहाँ पे शिफ्ट किए हुए हैं। ये भी मॉस रोज के प्लांट्स हैं। और आगे आते हैं, ये देखिए, ये मैंने कुछ ऐसे डेकोरेट किया इस पॉट को, इसमें भी स्टोन्स रख देता हूँ, देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे मैंने ये डेकोरेट किया हुआ है, अब देख सकते हैं ना। तो मैंने इस प्लांट को जो है वो शिफ्ट किया था, मैंने इस पॉट से, ये पॉट था, ये टूट गया तो मैंने इसका फेरी गार्डन बना दिया, देख सकते हैं ना। ये पॉट था जो टूट गया था मुझसे। और ये देखिए, इसके चारों ओर मैंने ये बाड़ लगा दी, देख सकते हो ना आप। और इधर भी है ये बाड़, तो ये कुछ ऐसे दिखती है। और यहाँ से सीढ़ियाँ टाइप सा बनाया हुआ मैंने, सीढ़ियों टाइप सा, और यहाँ से चढ़ जाना ऊपर से है। और यहाँ पे दो दिए हैं जो मैं दिवाली में जगा इनको जला दूंगा। और यहाँ पे सिंगोनिया का प्लांट लगाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने ये प्लांट लगाया हुआ है, और अंदर ग्रास लगाई हुई है मैंने, जो कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देता है, तो आप देख सकते हैं ना। और मेरा एक और प्लांट है, ये देखिए, इसमें मैंने कलांचो की कटिंग्स लगाई हुई है। और ये जो प्लांट है ये भी कलांचो का है जो मैंने शिफ्ट किया है। और ये जो मिस्टर बीन मैंने बनाया हुआ है, ये देख आपने कई वीडियो में देखा भी होगा, तो ये मिस्टर बीन में मैंने स्नेक प्लांट लगाया हुआ है, सेंसिवेरिया कहते हैं इस प्लांट को, और स्नेक प्लांट भी कहते हैं। यहाँ पे विंकास हैं लगे हुए, और ये गुलदावदी के हैं, देख सकते हो ना। और यहाँ पर मैंने ये ऑक्सप्लम का जो प्लांट है वो लगाया हुआ है, और ये भी मॉस रोज की कटिंग लगी हुई है। और ये देखिए, ये सन रोज का प्लांट है, तो मैंने इसको अभी शिफ्ट नहीं किया है, क्योंकि इसके यहाँ से देख सकते हो, ये देखिए यहाँ से निकल रहे हैं अभी पौधे जो हैं। तो अगला व्यू जो है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बाय दोस्तों।